वक्तव्य डॉक्टर राम पुनियानी यांनी सर्वधर्म भाईचारा सभेत केले. मंगल पांडेंनी स्वातंत्र्य संग्रामाचे बीज पेरले. इंग्रजांच्या विरोधात फुंकार त्याने फुंकला आणि त्यानंतर या छोट्या ठिणगीला बहादूर शाह जफर यांनी पुढे नेले आणि त्यांनी सर्व धर्मातील लोकांना साथ दिली आणि म्हणूनच भारत स्वतंत्र झाला. परंतु सध्या राजकारण हे धर्माधर्मात फूट पाडण्याचेच काम करीत असल्याचा घाणाघात ज्येष्ठ विचारवंत डॉक्टर राम पुनियानी यांनी केला. सत्तावन की क्रांति विद्रोह की तरफ. आपको याद होगा 1857 की क्रांति की चिंगारी लगाई थी मंगल पांडे ने. मंगल पांडे ने इसकी चिंगारी लगाई और इस 1857 की क्रांति की लीडरशिप किया बहादुर शाह जफर ने. बहादुर शाह जफर, उनके साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी. यानी हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े. हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े. अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई तो उन्होंने फैसला किया अगर हमको भारत पे राज्य करना है तो कौन सी रीति लगाना पड़ेगा? फूट डालो और राज करो. इसके लिए उन्होंने इस प्रकार का इतिहास दिखाया जिसमें हिंदुओं के मन में मुसलमानों के खिलाफ नफरत, मुसलमानों के मन में हिंदुओं के खिलाफ नफरत. ये उनकी एक चाल थी जिसको आगे चलकर एक तरफ जो जिन्होंने इस्लाम के नाम पे पॉलिटिक्स किया, जिन्होंने हिंदू धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स किया, उन्होंने इस बात को आगे लेकर चला. वैसे आपको बता दूं, एक ही धर्म के अंदर वो लोग हुए जिन्होंने अपने मजहब को अपना पालने का अपना साथ रखा और साथ ही साथ जहां तक देश का सवाल था उन्होंने मजहब के नाम पे सियासत नहीं की. एक ऐसे भी लोग हुए जो अपने मजहब को कितना पालन करते हैं, कितना फॉलो करते हैं हम नहीं जानते, पर उन्होंने अपने मजहब के नाम पे सियासत की. दो व्यक्तियों के नाम बताना चाहूंगा. एक है मौलाना अबुल कलाम आजाद. अब उन्हीं के बारे में हम देख ले, बताइए नाम में मौलाना है तो मुसलमान होंगे कि नहीं? मुसलमान है. मैं उनसे, उन्होंने मौलाना साहब ने जैसे अभी बता रहे थे कुरान का मराठी अनुवाद हुआ है तो मौलाना साहब ने भी कुरान का तर्जुमा किया था. तो मैं कल्पना में मौलाना साहब से एक इंटरव्यू लेता हूं, उनसे पूछता हूं मौलाना साहब आप तो एक अच्छे मुसलमान हैं तो आप मुस्लिम लीग क्यों नहीं ज्वाइन करते? आप पाकिस्तान की मांग का समर्थन क्यों नहीं करते? तो मौलाना साहब मुझे जवाब देंगे बरखुरदार मेरा इस्लाम तो इंसान से इंसान को जोड़ने की बात करता है और मुस्लिम लीग ये लोगों में बंटवारे की बात कर रही है इसलिए मैं मुस्लिम लीग के साथ नहीं हूं, पाकिस्तान की मांग के साथ नहीं हूं. ऐसी बात मैं महात्मा गांधी से पूछता हूं. मैं बापू को कहता हूं बापू आप तो एक अच्छे हिंदू हो आप हिंदू राष्ट्र की बात क्यों नहीं करते? आप हिंदू महासभा क्यों नहीं ज्वाइन करते? तो बापू मुझे वही कहते हैं कि मैं एक हिंदू हूं अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं. बापू का सेंटेंस बाकी है पर मैं बीच में रुक गया. बापू आगे क्या कहते हैं उसके पहले बात से पूछने चाहता हूं. बापू क्या कहते हैं कि मैं अपने धर्म के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं. आजकल क्या हो रहा है, धर्म के लिए लोग जान दे रहे हैं या धर्म के नाम पर दूसरों की जान ले रहे हैं? ये जरा मन में ख्याल रखिएगा. तो आज धर्म के नाम पे लोगों की जान ली जा रही है और गांधी कहते हैं मैं हिंदू हूं अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं पर वो मेरा निजी मामला है. आगे बापू का सेंटर, मैं जिस राज्य का सपना देख रहा हूं, मैं जिस राज्य के निर्माण के लिए काम कर रहा हूं वो राज्य किसी मजहब के निर्देश पे नहीं चलेगा. राज्य का काम होगा लोगों के रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी और ह्यूमन राइट्स को देखना, जबकि मजहब का काम होगा लोगों को नैतिक रास्ता दिखाना.